क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है, बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। रामू रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था, भगवान मेरे जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लग आई। रामू थक कर चूर हो गया, रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया, धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख शोभा जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई, बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए, अपना आंचल पकड़ा दिया। चेहरा पोछने के लिए फटे आंचल से चेहरा पोछ रामू आतुरता से बोला, क्या पकाया गबरू की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए शोभा बोली, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। और तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि रामू बे औलाद है, पर उसका बेटा गबरू दिल्ली चला गया कुछ कमाने के लिए कहकर। सालों हो गए पर लौट कर नहीं आया, शादी भी वहीं कर ली। किसी से सुना था उसको बेटा भी कि हो गया, पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। रामू बूढ़े होते जा रहा था, साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर शरीर मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले शोभा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमजोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे, तो रामू ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पूरी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गईं। घर में खाने को कुछ न बचा, हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। शोभा कई दिनों से बीमार पड़ी थी, रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम न मिला। सुबह रामू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला, अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर शोभा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे, अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों, साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग रामू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहां अस्पताल में शोभा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही, शायद उसे पति का इंतजार था या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो, माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो, उनको इस तरह से बेआसरा ना करो। माँ बाप को ऐसे मजधार में ना छोड़ो, माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं है। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते हैं। दोस्तों, ये भावुक कर देने वाली कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को लाइक, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। Thanks for watching.